हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आप लोग सभी लोगों ने पुष्पा फिल्म का डायलॉग बहुत ज़्यादा ही सुन लिया है, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे को हम देख रहे हैं। पुष्पा फिल्म का जो हीरो है अल्लू अर्जुन, उन्होंने एक पैर को लंगड़ी टाइप से करके हिचकते हुए चलता है, उसका बहुत सारे बच्चों पर इफेक्ट पड़ा है। आप सभी नहीं जानते होंगे, हमको तो ऐसा लग रहा है अल्लू अर्जुन का चप्पल का फीता टूट गया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। इसीलिए वो पैदल चल रहा था। और अगर फिल्म डायरेक्टर अगर अल्लू अर्जुन को जूता पहनाता तो क्या ये संभव हो पाता? चप्पल वाला डायलॉग हो सकता था? नहीं हो सकता था। हीरो को वहाँ पे जूता पहनाना चाहिए था, लेकिन गले में नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, पैर में बोल रहे हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा। अल्लू अर्जुन को पैर में जूता पहनाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे कि चप्पल पहना दिया। और चप्पल का फीता जानते ही जंगल एरिया में रहता था अल्लू अर्जुन, तो वहाँ पे उसका चप्पल का फीता टूट गया, जिसके वजह से वो लंगड़ा के चल रहा था। और आजकल हमारे इंडिया में ट्रेंड पे है चप्पल खिसकाने वाला डायलॉग। और भाई साहब क्या बताएं इस फिल्म के बारे में, पुष्पा को फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ये डायलॉग इतना हीट हुआ है, इस पे कई लोग मीम्स बना चुके हैं। कोई लोटा लेके हगने के लिए जा रहा है, पुष्पा हगने जा रहा है, और हगने भी जा रहा है तो पुष्पा गांव नहीं धोएगा। क्यों? क्योंकि पुष्पा झुकना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपना गांव नहीं धोएगा, गांव पोछेगा भी नहीं, अगले गांव में एकदम पैंट पहना के चल दिया बहन चोद। और उसका चप्पल तो पहले फीटा टूटा हुआ है। क्या डायरेक्टर को होना चाहिए था वहाँ पे, उसको जूता पहनाना चाहिए था। इसके इफेक्ट बहुत सारे हमारे भारतीय बच्चों पे पड़ चुका है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो एंड करते हैं वीडियो को, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी बात करेंगे कुछ अलग मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, मिथुन SML यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।